ऐसा ही होता, चुपचाप हो जाते हैं सब। मैं जब आपसे मिला तो आपने कहा कि आपने स्कार्फ क्यों पहना हुआ है, तो मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही पहनता हूं, सालों से पहन रहा हूं। तो आपने मुझसे पूछा कि ये पहचान है क्या आपकी, मैंने कहा हाँ पहचान भी है। आपकी पहचान क्या है? मेरी और समस्त मुंबई पुलिस दल की जो पहचान है वो खाकी है। नहीं, मुझे किसी ने बताया आते समय कि आपकी एक पहचान और भी है, आप बहुत कम बोलते हैं। जितना आवश्यक है, जहां जितना बोलना चाहिए उतना जरूर बोलता हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल ये बात उल्टी लगी, मैंने जिसने भी दिया वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी हमारी। तो आपको अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क सुधार करना बहुत जरूरी है। तभी मैं पूछने वाला था। यकीनन आज जैसे आपने कहा नहीं, आपका ये जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है इसको सुधारने वाला है, और यहीं से कहानी शुरू होती है। मैं चाह रहा था कि बातचीत का सिलसिला कहीं से जुड़े। मैं जानना चाहता हूं कि चुनाव होने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी तैयारी है? देखिए, चुनाव हमारे जो लोकतंत्र है उसका आत्मा है, और अभी अभी लोकसभा 2024 के चुनाव हुए। मैं आपके माध्यम से समस्त जनता और लोग जो उपस्थित हैं उनको बताना चाहता हूं कि मुंबई में एक भी ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ चुनाव के दरमियान। वाह, बहुत पीसफुल पीसफुल तरीके से पूरे चुनाव हुए, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी हम इसी तरह से करेंगे। सिर्फ ये है कि जो मतदाता है उन्होंने ज़्यादा जागरूक होना ज़रूरी है, और अपना जो वोट है वो कास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। 50% 55% के आसपास रहता है, तो वो बढ़ना ज़रूरी है। सर, वो जहां से आपने छोड़ा था वो शब्द मैं वहीं से आगे बढ़ता हूं। आपने कहा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, 80 का दशक था, 90 का दशक था, हम उत्तर भारतीय जो वहां रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारी मुंबई की खबरें सुनते थे। लेकिन अब एक नया खबर सुनते हैं, और लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी या शख्स या पेशेवर अपराधी और आता है, उसके गुर्गे आते हैं, उसके लोग आते हैं, फायरिंग कर देते हैं, और हम लोग वहां पे खबर, पूरा देश में, पूरी दुनिया में खबर होती है, सलमान खान का जिक्र कर रहा हूं। तो क्या कोई नेटवर्क की कमी है क्या? देखिए, नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। नेटवर्क की कमी अगर होती तो 48 घंटे में हम उनको पकड़ नहीं लाते भुज से। आप ये देखिए कि यहां पे जितने लोग हैं, अगर ITC के होटल में कहीं चले जाए तो वहां आप ढूंढते ढूंढते कितने घंटे चले जाएंगे पता नहीं है। पूरा देश है, राइट? और जो आए थे मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल बोन थे, हेलमेट पहना हुआ था, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना और फिर मालूमात लेना, पीछे जाना, उनको लाना, कोई ये आसान बात नहीं रहती है, राइट? और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं, साथ देते हैं, और उसके बाद एक के बाद एक वो पूरा जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनको भी बॉम्बे क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया, MCOCA के प्रोविजंस इन्वोक किए, और मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहां ये सब नहीं चलेगा। लेकिन उनकी हिम्मत क्या है कि वो 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं? देखिए, अभी दूसरे की हिम्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर अभी हिम्मत टूटी हुई है। टूटी हुई है जी। वजह? जो कार्रवाई हुई, आप जितने फुर्ती से और जितने फुर्ती से कार्रवाई करके लोगों को आश्वस्त करते हो, उससे जो जिनके इरादे नेक नहीं होते, गलत लोग हैं, गलत काम करते हैं, उनकी हिम्मत तो टूटी है। आपके बारे में कहा जाता है एक और है कि बड़े कर्मठ आदमी हैं, और बिटिया की शादी तक में उस तरह से नहीं लगे जिस तरह से काम में लगे रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस फोर्स में हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं,
सभी लोग जो हैं हमेशा बहुत समर्पित भावना से काम करते हैं, और ये कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे आप बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए घर पे नहीं रहते हैं, राइट अपने परिवार में कुछ कार्यक्रम है तो उसमें भी उपस्थिति नहीं होती है। तो मैंने भी कुछ अलग नहीं किया, मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी, लेकिन एग्जाम्पल सेट किया नहीं, एग्जाम्पल सेट करने की बात नहीं, हमारा हर कांस्टेबल अपने अपने काम से एग्जाम्पल सेट करते रहता है। आप लोगों ने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारी तरफ कम ध्यान देना चाहिए। लेकिन अनवरत लगातार ये जो मेहनत और पेट्रोलिंग है, कोलकाता में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसका बाद महाराष्ट्र मुंबई बदलापुर हुआ, तमाम तरह की थी, आक्रोश पुलिस को भी लेकर हुआ, सवाल पुलिस को लेकर भी पूछे गए। देखिए, हर 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 जगह कहीं भी अगर आपत्ति होती है तो आक्रोश तो होता ही है और जायज भी है, उसकी दखलअंदाजी। मानते हैं कि FIR लिखने में थोड़ी देरी हुई, FIR बदलापुर मेरे दायरे में आता नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप पत्रकार हो, आप किसी भी बात पर कहीं भी कितनी भी टिप्पणी कर सकते हो, हमें कुछ बंधन है इस बारे में। बट यस, ये मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस दल का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और जहां तक मुंबई पुलिस है, हमने ये घोषित किया हुआ है कि हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, होता नहीं कि कोई दूसरा वाला अपनी गलती इतनी आसानी से मान ले, लेकिन ताली बजनी चाहिए जोर से सर, प्लीज, थैंक यू सो मच, रियली सर। तो बात यह है कि हमने तो यह घोषित किया हुआ है कि मुंबई में हर स्त्री, हर महिला, हर लड़की जो है वो सुरक्षित रहे, इसलिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। हमारे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, स्कीम्स हैं, जिस पर हम हमेशा नजर भी रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुंबई के पुलिस स्टेशन में अगर कोई महिला जाती है, कोई कंप्लेंट लेके जाती है, न तो सिर्फ उसको आश्वस्त किया जाता है कि उसके कंप्लेंट की दखलअंदाजी ली जाएगी, मगर उसके बाद लगभग हर शनिवार को हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं, ACPs हैं, वो उसके पहले 4 महीने 6 महीने तक के जितने भी विमेन कंप्लेनेंट्स हैं उनको बुलाते हैं, मिलते हैं, और जो भी केस है उसकी प्रगति, प्रोग्रेस क्या हुई है, और कोई उनको तकलीफ है क्या, ये भी एक तरह का पेट्रोलिंग और इंटरैक्शन दोनों। हाँ, इंटरैक्शन है, काफी योजनाएं हैं, हमारा भरोसा सेल है, हमने अभी हर पुलिस स्टेशन में एक स्वागत कक्ष बनाया है जहां पर एक महिला कांस्टेबल रहती है, ताकि जो महिला आए उसको थोड़ा सा ठीक लगे, और संवेदनशीलता जो है वो समाज में बढ़ने की जरूरत है। देखिए, पुरुष वर्ग जो है उसको समझना चाहिए कि महिला का सम्मान करना न कि केवल एक ऐसी बात है, वो बहुत जरूरी, वो एक कल्चरल एस्पेक्ट होना चाहिए हमारा, राइट। हम देवी की पूजा करते हैं, उससे हमारे महिला को सुरक्षा नहीं मिलने वाला,
हम जब हर महिला को इज्जत देंगे, हर महिला को अपॉर्चुनिटी देंगे वर्कप्लेस में, उसको आश्वस्त करेंगे कि आपके लिए सुरक्षित है, तभी जाके उस पूजा का कुछ अर्थ होगा। मतलब आप ये जब एस्पेक्ट बता रहे हैं, थैंक यू, सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं रुकेंगी कैसे, उसमें से एक ये देखिए, पुलिस एजेंसी का तो उत्तरदायित्व है निश्चित रूप से, मगर आप ये भी सोचिए कि बहुत बड़ा समाज है, मुंबई में 22 मिलियन का पॉपुलेशन है, राइट सर, अगर 50% भी आप सोचें महिलाएं हैं, एज ग्रुप एक स्कूल में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, वर्क के लिए जाती हैं, तो हर जगह जहां भी वो जाती है वहां के लोगों का भी उत्तरदायित्व है, हर घर में जो महिला है, जो माता है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो अपने बेटे को अच्छे से पाले पोसे और ये समझाए कि हर लड़की का रिस्पेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। हम किस तरह से व्यू करते हैं समाज में हमारे विमेन फोक को, ये तो घर से परिवार से बात उठेगी। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन उन जगह तो हो सकती है। मैंने ये कहा भी नहीं, मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, हर उस शख्स की है वो जो बिलीव करता है कि वुमेन नीड टू बी रिस्पेक्टेड, गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड शी नीड्स टू बी गिवन कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट प्रोटेक्शन। देखिए प्रोटेक्शन आप कहां कहां दोगे, मगर एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये मेरे ख्याल से जरूरी एस्पेक्ट है और इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है जी। लेकिन सर एक चीज तो ये है, लेकिन घाटकोपर में एक होर्डिंग लगा रहा वो गिर जाता है, वो किसके जिम्मेदारी है, उसको रोका जाए कैसे? देखिए उस वो बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, 17 लोग अपनी जान जी उनकी गई और बहुत गंभीर रूप से उसकी दखल ली गई, वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने किया हुआ था, होर्डिंग रेज किया था और उसमें काफी अभी हाई पावर कमेटी भी बैठी है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने काफी हद तक किया है, एक चार्जशीट गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरे ख्याल से हमारी व्यवस्था जो है वो हमने हमेशा इंटरनली और एक्सटर्नली चेक करना बहुत जरूरी है। एक व्यवस्था उभर के आती है, कुछ परमिशंस दिए जाते हैं, उसमें कुछ गलत हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना, बीच बीच में देखना, उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। एजेंसीज का अब होर्डिंग एजेंसी जो होती है वो अलग होती है, मैं जानता हूं। हाँ, आपने एक सजेस्ट किया कि वो जो एजेंसीज हैं डिफरेंट एजेंसीज और लॉ एनओसीज जो है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे होर्डिंग्स ये जो सब्जेक्ट है ये बृहन मुंबई महानगर पालिका या जो भी महानगर पालिका है उसका विषय है, उन्होंने भी समिति गठित की और उसमें होर्डिंग्स में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन अभी लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो आपने डिफरेंट पदों पे काम किया और उसके बाद आप मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, तो मुंबई का टेम्परामेंट, मुंबई की जो ताना बाना है उसको समझने में जगह जगह काम निश्चित तौर से एक एक्सपीरियंस के साथ आए, तो मुंबई के का खास तौर से जो ये ताना बाना इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लोग मुंबई पुलिस की जब बात करते हैं और खैर मुंबई पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होती जहां पे वो इस पद पे जो व्यक्ति होता है। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि मुंबई जैसा शहर नहीं और मुंबईकर जैसे लोग नहीं। आप ये देखिए, मुंबई में सालों से पूरे देश से लोग आ रहे हैं और पूरे बहुत उम्मीदें लेके आते हैं जी, सपने लेके आते हैं, बहुत लोगों के सपने साकार भी होने भी चाहिए जी। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो मुंबई में आते हैं बस जाते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये कोई आसान शहर नहीं है। लोगों को जो लोकल ट्रेन है या बेस्ट बसेस हैं उसके अंदर चढ़ना और उतरना ये भी एक बहुत अजीब अनुभव सा शुरू में होता है, बाद में फिर वो अपने आप उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। बहुभाषी लोग हैं यहाँ मुंबई, बहुभाषी
लोग हैं, मगर जी जो मुंबई और महाराष्ट्र के लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, मराठी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उनका भी ये क्रेडिट है कि सबको समा लेते हैं, इतने समा लेते हैं कि वो अपने गांव वापस जाना ही नहीं चाहते, यहीं के हो जाते हैं। ये इसकी ताकत है, हाँ, इस शहर की, ये इस शहर की तासीर भी ये है। ये शहर की ताकत है, ये शहर का कल्चर है, हमारे लोगों का कल्चर है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये इसको संजो के रखना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसमें मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, उत्तरदायित्व भी है। जैसे जैसे कि हम किसी भी समाज के घटक से हम वी डोंट डिफरेंशिएट, राइट, हमारे लिए हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को न्याय देना ये हम अपना कर्तव्य मानते हैं, और इसी वजह से यहाँ बाहर से जितने भी लोग आते हैं वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप देखिए, मैं आजकल तो इंस्टा विंस्टा वीडियोस बहुत चलते हैं, मैं कुछ खास देखता नहीं हूँ, मगर मुझे ऐसे नहीं देखता, टाइम नहीं होता या यूं ही, मतलब आपको टाइम भी नहीं होता, और ये ज्यादा इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहिए, दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं। मैं युवा लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी कहूंगा कि यू नो आप कम देखा करें, एक समझ लीजिए, हाँ, कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्स्ट्रा करिकुलर को एक्स्ट्रा बोला जाता है। तो अपने करिकुलर पे ध्यान दो, आप नौकरी कर रहे तो उस पर ध्यान दो, आप पढ़ाई कर रहे तो उस पर ध्यान दो, बीच बीच में एक्स्ट्रा करिकुलर 5-10 मिनट ठीक है, बट दैट कैनॉट बी द मेन थिंग ऑफ योर लाइफ। तो मैंने एक देखा वीडियो जहाँ पे एक महिला है और वो पता नहीं मुंबई से दिल्ली गई है या कहीं और गई है, और कहीं तो किसी और शहर में गई है, मैं किसी और शहर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो अपने सहेली से बात करती है कि 8-8:30 बजे शाम के और कहीं बाहर चलते हैं, तो वो बोली नहीं, हम बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, समझ गया। तो वो कहती है तुम मुंबई आओ, रात के 12 बजे भी हम घूमने जाते हैं। आपने तो आपने सोच समझ के दिल्ली का नाम वापस ले लिया? नहीं, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर। क्यों सर, अगर कुछ सीखने की बात है तो यहां से वहां से लोग सीख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कौन से शहर की वो बात कर रही थी इसके बारे में मेरे दिमाग में संदिग्धता है, इसलिए मैं शहर का नाम नहीं लेना चाहता। थैंक यू सो मच सर, बहुत बट मुंबई के बारे में मुझे कोई संदिग्धता नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और कानून व्यवस्था से जुड़ी इस सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मंच पर अविनाश कौल जी को बुलाना चाहूंगी, नेटवर्क 18 ग्रुप CEO हैं, आप चाहेंगे आए और खास मेहमान को धन्यवाद दें।